каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. हम लोग अपनी पल्सर 220 में पल्सर NS का अगर इंस्टॉल करने वाले हैं, सो देखते हैं कैसा लगता है। अभी हम लोगों ने मडगार्ड काटा है इसका, अभी ये लोहे की पत्ती कटवाई थी, तो ये तो दोनों ठीक है, ये हो गया। हमने सोचा था कि ये सीधे डायरेक्टली इस पर फिट हो जाएगा, लेकिन चेंचेस ना थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी साइज में, चौड़ा हो गया और ये हो गया छोटा। तब इसके ऊपर पत्ती लगाएंगे, फिर इसको वेल्ड करेंगे। तो पत्ती वेल्डिंग कराई है, फाइनली ये कंप्लीट हो गया। इसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी, ये पड़ा था 400 का, ये पूरा। ये रिफ्लेक्टर लाए थे हम लोग, कहीं खो गया, और ये था 600 का। इसके अंदर ये ब्रैकेट है लोहे का, ये सब, और मतलब इसका टोटल कॉस्ट 1000 था, और लेबर चार्ज हमने दिया है 200 रुपये। और मतलब जो वेल्डिंग करवाई थी, ये प्लेट्स लगाई हैं इधर पे, ये और ये इधर पे, तो इसकी कॉस्ट मतलब 200 रुपये उसका, और 100 रुपये ये इसका ही, मतलब फिटिंग का इस्त्री को, मतलब करीब 1300 रुपये में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। और गाड़ी के ओनर अपने साथ एक फोटो।